हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को मेरा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जो भी देख रहे हैं ना, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनल ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग इंटरनल ऑडिटिंग में क्या चेकिंग किया जाता है, क्या चेकिंग किया जाता है आप लोग से इन द फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में क्या चेकिंग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ना आपका क्लीनिंग सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट या मायने रखता है। आउट ऑफ कंट्री में फूड क्वालिटी को मायने रखता है, बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं 8-10 पॉइंट में डिस्कस करूंगा, 8-10 पॉइंट में डिस्कस करूंगा क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ का आता है क्लीनिंग मीन्स होता है साफ सफाई, है ना, साफ सफाई। इस साफ सफाई के दौरान में क्या क्या होना है, वो लोग एक्चुअली क्या चेक करते हैं। ऐसे नहीं कि पूरा देखें, पूरा आए कुछ दिन पहले हम लोग का इंटरनल चेकिंग आया था, ठीक है, इन द फूड इंडस्ट्री में। वो लोग देखे किचन में पूरा जो टाइल्स है, टाइल्स को पूरा देखे, इधर वॉल देखे, नीचे फ्लोर देखते हैं एंड इधर उधर गंदा है कि नहीं है, है ना, विंडो क्लीन है कि नहीं है, सब देखते हैं। उसके बाद आपको जितना भी इक्विपमेंट है ना, क्लीन है कि नहीं है, ऑपरेशन चल रहा है आपका, उसमें ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन चलने के दौरान में आप लोग को जिधर जिधर आप काम करते हैं, है ना, जिस गली में, जिस पार्ट पाथवे में आप काम करते हैं, है ना, किचन सेक्शंस में, स्लॉट सेक्शंस में, या द बुचरी सेक्शंस में, या द कोई भी सेक्शन में काम करते हैं, उस किचन का पाथवे या द जो जाने आने रास्ता या तो जाने वाला इधर उधर सब चेकिंग करते नहीं करते। एक क्लीनिंग क्या है, क्लीनिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड होना चाहिए। लास्ट टाइम देखिए, फर्स्ट आते हैं तो आने के बाद क्या है, एंटर जो किचन, आपको क्या देखते हैं, मेन आपका विंडो, आपका डोर क्लीन है, एंट्रांस जिसको बोलते हैं हम लोग एंट्रांस, वो नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है कि नहीं। होने के बाद क्या है, आपको स्टोर देखें, स्टोर देखते हैं, स्टोर में आपका प्रॉपर कभी कभी फूड वैलिड फूड है कि नहीं, है डेट एक्सपायरी है कि नहीं उस फूड का, फूड कभी क्या ऐसे है ना, फूड का जो क्वालिटी है वो चेक करते हैं, है ना, करने के बाद आपको फूड सही है कि नहीं है। फूड इंडस्ट्री, कैटरिंग इंडस्ट्री में जिधर हम लोग रहते हैं उधर क्या है, आप लोग को फूड फल ही टेस्ट ना हो, बहुत सा रीजन है टेस्ट देना नहीं सकता। कैटरिंग इंडस्ट्री फूड टेस्ट देना नहीं सकते, क्यों, कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल एवरीवेयर इज द कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा है, ए टू जेड मेंटेनेंस है। आपको लेके आना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, है ना, लेके आना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको, उसके बाद चिल्लर में रखना पड़ता है, अनलोडिंग है ना, उसके बाद कटिंग भी है, उसको कटिंग करने के बाद क्लीनिंग है, पकाना है, सर्व करना है, खिलाना है। एक आदमी क्या 2 रुपये देकर खा लेगा, लेकिन उसका प्रोसीजर कितना मिले, प्रोसीजर कितना बड़ा है, कितना लॉन्ग प्रोसीजर है। कुछ एक आदमी ने, मेरा आदमी ने बोला था ना कि देखिए, आपको जो एक लंच आपको घर में जो खाना बना रहे हैं, उस खाना बनाने बनाते समय आपको 32 आइटम आपको अरेंज नहीं करेंगे तो आपको लंच नहीं बनता है। बात सही है, देखिए क्या क्या चीज इक्विपमेंट लेना पड़ता है, इक्विपमेंट लेके आना पड़ता है, गैस लेके आना पड़ता है, आपको कितना इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट टू मच इंग्रेडिएंट है,
है ना, कितना सामान है, जैसे एक फ्रिज बनाने के लिए कितना क्वांटिटी, कितना मटेरियल चाहिए उसको, क्या क्या मटेरियल चाहिए, बाजार जाना पड़ता है, स्टोव लेके आना पड़ता है, क्या आटो, एक आटो, एक क्या सीसीपी है, प्रोसीजर, प्रोसीजर बहुत सा है। इस तरह से आपको क्लीनिंग स्टाफ, उसके बाद आपको इक्विपमेंट, आपका दो नंबर क्या है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सोचो टूल्स, जो आपका टूल्स जो यूज कर रहे हैं वो सब क्लीनिंग है कि नहीं। क्लीनिंग बहुत देखते हैं भाई, क्लीनिंग बहुत देखते हैं इंटरनल जो ऑडिट में ना, क्लीनिंग बहुत देखते हैं आपका, जिधर भी आप काम कर रहे हैं, बॉट फ्रेम में काम कर रहे हैं, या तो बॉयलर में काम कर रहे हैं, या तो कोई भी सेक्शन में काम कर रहे हैं, डिटेल में कोई मशीन या तो मिक्सर यूज कर रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, ऐसे यूज कर कैसे नहीं, पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, दिस इज द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है, हर चीज नीट एंड क्लीन करना, क्लीन करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है, आपका काम के साथ साथ क्लीन करना बहुत है। क्लीन एज यू गो में देखिए, क्लीन एज यू गो में देखिए, क्लीन एज यू गो में देखिए, ये जो क्लीन जो एज यू जो पोस्टर है इन किचन में, इसका मतलब क्या है, आप काम करो साफ करके जाओ, काम खलास फिनिश, उसको क्लीन नीट एंड क्लीन कर, यू कैन गो, इसका मतलब ये है क्लीन एज यू गो, है ना, कितना प्रोसेसिंग है, इक्विपमेंट क्लीन है कि नहीं है ना। उसके बाद आपको जिधर आप फूड रखते हैं, जिधर आपको फूड रखते हैं, फूड किधर रखते हैं, फूड किधर रखते हैं, तीन नंबर देखिए, चिल्लर है, चिल्लर या तो फ्रिज है, फ्रीजर है, सब क्या नीट एंड क्लीन है कि बराबर बराबर टेम्परेचर है कि नहीं है, उसके अंदर फूड है, उसके अंदर फूड है, चिल्लर के अंदर फूड है, वो फूड सही है कि नहीं, सही है कि नहीं है, कैसा उसका चिलर के अंदर में देखिए, मान चलिए आपका चिलर के अंदर में फूड है, कोई आइटम वेजिटेबल कट रहे हैं, उसमें लेबलिंग है कि नहीं, ऐसे नहीं चिलर में डाल करेगा सड़ा है वो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी चीज है फर्स्ट डाल रहे, फर्स्ट उसको यूज करो, देन उसके बाद दूसरा है, ये प्रोसेसिंग बहुत होना चाहिए, प्रोसेसिंग बहुत होता है। देखिए चिलर में आपको, चिलर में आपको वेजिटेबल रखे, वेजिटेबल रखने के बाद वेजिटेबल रखे, वेजिटेबल इसका डेट एक्सपायर है कि नहीं, है ना, वो फूड अच्छा है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं उसमें। फ्रीजर में देखिए आइसक्रीम रखें, देखिए ना आइसक्रीम, आइसक्रीम रखें, ये फ्रीजर में रखेगा तो बहुत दिन चलेगा ये आइसक्रीम, फ्रीजर है इसका भी टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं, टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं, बहुत सा चीज आपको फॉलो अप करना पड़ता है। उसका बात आपको आता है जब चार नंबर में हॉट होल्डिंग, क्या हॉट होल्डिंग, हॉट होल्डिंग, हॉट होल्डिंग क्या है, आपको फूड जिधर है उधर साफ है कि नहीं, उधर जो टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं, बहुत सा चीज माइंड मैंडेटरी है, फूड इंडस्ट्री में बहुत सा चीज मैंडेटरी है। आप ये प्रिफेयर जब डाइनिंग है, डाइनिंग है, किचन है, आप जिधर बैठते हैं नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, अब जिधर बैंड में रही है, जिधर आप फूड देकर सर्व करते हैं वो चीज़ भी क्लीन है कि नहीं है, ये सब चीज क्या है, बराबर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। आप जिधर जिधर सामान रखे, स्टोर देखिए, स्टोर में देखिए, पांच नंबर देखिए, स्टोर, स्टोर में देखिए बराबर उसको लेबलिंग है कि नहीं है, और टैग लगा हुआ है कि नहीं है, है ना, टैग टैग लगा हुआ नहीं है, उसके बाद उसका लेबलिंग है कि नहीं, लेबलिंग है कि नहीं है, हर चीज मैंडेटरी करता है, दिस इज द इंटरनल ऑडिट। उसके बाद क्या आने के बाद, आने के बाद क्या है, क्या फिर जो भी स्टाफ है ना, स्टाफ में हाइजीन है कि नहीं है, स्टाफ छह नंबर क्या है, स्टाफ, स्टाफ हाइजीन है कि नहीं, हाइजीन है कि नहीं, सब पूरा चीज देखते हैं,
एक ये पूरा चीज आप लोग को देखते हैं, देखने के बाद क्या करते हैं, डन है कि नहीं, उसका और पेपर चेकिंग होता है ना, पेपर चेकिंग होता है, बहुत सा चीज़ है इसमें, फूड सेफ्टी अंडर में देखते हैं, इस सबका इंटरनल ऑडिट हो गया, जो कभी कभी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, कभी कभी मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, उसके बाद आपको चेयरमैन आते हैं, है ना, ये सब चीज़ क्या हो, फॉलो अप करते हैं, मैं जो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ या तो स्टैंडर्ड खर्च दिखा रहा हूँ, मेरा आज स्पॉट में ऑडिटिंग नीट एंड क्लीन है कि नहीं, वो लोग क्या खुद आकर देखते हैं, अगर उन लोग इम्प्रेस हो गए तो आपको बॉक्सेस भी दे के जाते हैं, 2 लाख 3 लाख बॉक्सेस दे के जाते हैं, दिस तो इंटरनल ऑडिट है। हम लोग कुछ दिन पहले उसमें एक वो आया था, चेयरमैन आया था, मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे, है ना, जनरल मैनेजर आए थे, आने के बाद पूरा चीज किचन में चेक किया, फॉलो अप किया, करने के बाद क्या, कुछ उन लोग को मिला नहीं, वो लोग ऐसे नहीं कंप्लेंट किया उसके बाद चेकिंग करने, ऐसा नहीं है, वो लोग आते हैं चेकिंग करते हैं, मैं जो इन्वेस्ट किया, हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपका स्टैंडर्ड है कि नहीं है, कोई भी कंप्लेन आए ना, है ना, इस तरह से मेंटेन करना बहुत जरूरी, यही इंटरनल ऑडिटिंग इसी चीज को देखते हैं वो लोग ने, है ना, ऐसे छोटा छोटा चीज है, इसको अलावा बहुत सा चीज है वो लोग फॉलो अप करते हैं, है ना, आपको इक्विपमेंट नीट एंड क्लीन है कि नहीं, आपका ऑफिस नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, बहुत सा चीज है ना, कचरा रहता है, डॉट ही रहता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पूरा नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो आप लोग साथ मुलाकात करता हूँ, आप लोग साथ इस तरह से मैं जितना भी मेरा नॉलेज है, जितना भी मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, है ना, उसको एडॉप्ट करके आप लोग साथ मैं वीडियो के जरिए आप लोग साथ एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सो मच।